ये देखिए धूल उड़ रहा है, ये देख रहा है ना, ये पूरा रेत जो है बालू वही उड़ रहा है इस समय, क्योंकि उस साइड काफ़ी ज़बरदस्त वाला हवा चल रहा है। तो दोस्तों इस समय दिन के 5 बज रहे हैं और ये है नज़ारा कुछ इस प्रकार अपने वाराणसी के घाटों का। ये देख रहे हैं काफ़ी ज़्यादा चहल वहल नज़र आ रहा है। फिलहाल देखिए जो पीले कलर में जो रंगा गया है, ये है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद घाट पर स्थित सीवेज पंपिंग स्टेशन, जो कि इसे पीले कलर में कर दिया गया है। और वही दाहिने साइड में आप देख पा रहे होंगे, ये है मान महल घाट, जिसे मान मंदिर घाट के नाम से भी जाना जाता है। ये देखिए ये सीन कुछ इस प्रकार है। और अभी मैं मौजूद हूँ अपने वाराही घाट पर। तो आज के वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ अपने वाराणसी के घाटों का नज़ारा शाम का। इसमें काफ़ी ज़्यादा चहल वहल है। और वाराही घाट के बारे में जो मैं बात कर रहा था, देखिए इस साइड एक बोर्ड भी लगा हुआ है। चलिए इसी साइड से चलते हैं। अगर इसी साइड से अगर घाट किनारे किनारे होते हुए अगर आप जाना चाहेंगे तो अस्सी घाट जा सकते हैं पीछे साइड से। और भाई जिस साइड से मैं चल रहा हूँ, यानी कि इस साइड में चल रहा हूँ, तो इस साइड से आप चले जाएंगे काशी विश्वनाथ धाम, मणिकर्णिका घाट, गाय घाट और राजघाट और नमो घाट के लिए। ये सीन कुछ इस प्रकार अपने वाराणसी के घाटों का। और इस साइड है त्रिपुर भैरवी घाट। आगे बढ़ने के बाद आपका है मीर घाट, और बहुत से लोग हैं जो कि मीर घाट पर भी स्नान करते हैं। ये देखिए इस साइड ये देख रहे हैं चहल वहल आपको ज़्यादा नज़र आ रहा होगा, खासकर इस वाले रोड पर, इसलिए कि आगे ही है काशी विश्वनाथ धाम और पीछे है दशाश्वमेध घाट, जो कि जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे, जो कि दशाश्वमेध घाट पर विश्व प्रसिद्ध गंगा आरती शाम के समय होता है। कुछ लोग देखिए इस साइड भी स्नान कर रहे हैं। इस समय देखिए बद्री टाइप का मौसम है, गंगा उस पार, ये देखिए धूल उड़ रहा है, ये देख रहा है ना, ये पूरा रेत जो है बालू वही उड़ रहा है इस समय, क्योंकि उस साइड काफ़ी ज़बरदस्त वाला हवा चल रहा है। और इस साइड भी चल रहा है लेकिन समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन उस साइड खाली स्थान है। सामने भी आप देख पा रहे होंगे, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। ये देखिए सामने जो आप रैंप देख रहे हैं, पहले यहाँ पर स्नान करने का सुविधा था, यानी कि रैंप के माध्यम से आप स्नान कर सकते थे, लेकिन कुछ दुर्घटनाएं घटने की वजह से, क्योंकि उस साइड देखा है तो उस साइड काफ़ी ज़्यादा गहरा है, तो उसकी वजह से प्रतिबंधित कर दिया गया है। और आपको बता दें कि देखिए जब काशी विश्वनाथ धाम का जब लोकार्पण हुआ था, तो मोदी जी उसी रैंप से होते हुए गंगा नदी में स्नान करते हैं, गंगा जल लेकर जाते हैं काशी विश्वनाथ धाम के लिए। चलिए बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर देखिए रुद्रदास की महिलाएँ देखते हुए आपको नज़र आ जाएगा। देखिए इस साइड भी अब हवा जो है वो चलना शुरू हो गया है, और बहुत से लोग देखिए इस साइड स्नान कर रहे हैं।
और मैं अपने वीडियो के माध्यम से मैं बता दूँ कि देखिए इस साइड जो स्नान करना है वो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि इस साइड देखेगा तो पूरा मलबा से पूरा, यानी कि यहाँ पर पूरा मलबा पूरा फेंका हुआ है। जब ये जेटी का निर्माण कार्य चल रहा था तब, और स्नान भी करे तो काफ़ी धीरे से, यानी कि एक दो सीढ़ियाँ उतरे क्योंकि काई लगा रहता है, तो इसी वजह से एक ही पारों के वीडियो में एक लोग स्लिप कर गए। बढ़ते हैं आगे और कोशिश कीजिएगा दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। इस साइड देखिए ऊपर है नेपाली मंदिर, इसे पशुपतिनाथ मंदिर के नाम से जाना जाता है। जाने के लिए रास्ता देखिए इस साइड से, ये देखिए विदेशी पर्यटक। देखिए देखिए आराम से चलिए बढ़ते हैं आगे। इस साइड देखिए कई सारा दुकान खुल चुका है, पहले यह दुकान नहीं था। देख रहे हैं ढेर सारा दुकान, इस साइड भी कुछ लोग हैं जो कि यहाँ पर आराम कर रहे हैं और नाश्ता पानी भी कर रहे हैं, हवा भी चल रहा है काफी जबरदस्त। फिलहाल आप देख पा रहे होंगे जो कि धीरे धीरे अब शाम हो रहा है, तो जिसकी वजह से देख रहे हैं ये पूरा जो लाइट है वह जल चुका है। आगे बढ़ने के बाद है मणिकर्णिका घाट, इस साइड है गंगाधार होते हुए आप काशी विश्वनाथ मंदिर के लिए चले जाएंगे। बहुत से लोग देखिए यहाँ पर भी साउथ इंडियन लोग हैं, देख रहे हैं क्योंकि इस समय थोड़ा सा मौसम सुहाना हो गया है, तो जिसकी वजह से यहाँ पर बहुत से लोग आपको नजर आ रहे होंगे जो कि विश्राम करते हुए। और इस समय भीड़ देख पा रहा हूँ, भीड़ काफ़ी ज़बरदस्त है, मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूँ। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि यह मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करके भी जरूर बताइएगा कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। और जो दोस्त मेरे चैनल बनारसी यूट्यूबर बनाए हैं उन्होंने मेरा चैनल बनारसी यूट्यूबर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मेरे आने वाले हर एक नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे और ऐसे ही मैं वीडियो बनाता रहता हूँ। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार और हर हर महादेव।